जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं संसद का अभ्यास प्रश्न पत्र। दोस्तों आपको सेट सी का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा है उचित विकल्प चितवा लिखा। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है सत्य प्लस जन इतस्य शब्दस्य संधि अस्ति, तो इस शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर यहां पर पहले वाला जाएगा सज्जना। अब दोस्तों आपका जो दूसरा यहां पर सही विकल्प पूछा है विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर पहले वाला मनोरह, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है अति प्लस आचारा इतस्य संधि अस्ति, तो इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा अत्याचारा, मतलब दूसरे वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है पितरो इतस्य पदे समास विग्रह भवति, तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर माता चाहे पिता चाहे चौथा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो पांचवा पर सही विकल्प देख लीजिए अपूर्वम इतस्य पदे समास अस्ति, तो इसमें राइट आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका पहले वाला तत्पुरुष समास इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है यथाशक्ति इतस्मिन पदे समास विग्रह अस्ति, इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर चौथे वाला आ जाएगा शक्ति अंतिक्रम्य। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें आपको क्या करना है खाली स्थानों की पूर्ति करके यहीं पर आपको लिखना होगा, तो इनके आंसर भी आप लगाते जाइए। पहले में आपका यहाँ पर आ जाएगा कच्चित आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर मधुरानी आ जाएगा, तीसरे में आपका सूर्य आ जाएगा, चौथे में आपका वृषय आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका पांचवें आपका मूर्खा आ जाएगा और छठे में आपका दोस्तों यहाँ पर विपत्तो आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 3 पूछा है इसमें आपको क्या करना है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में सत्य असत्य, मतलब दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है, तो इनके आंसर लगा लीजिए। पहला दोस्तों आपका ना आ जाएगा, मतलब दोस्तों आपका गलत आ जाएगा, दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पर ना आ जाएगा, ये भी आपका गलत आ जाएगा, चौथा यहाँ पर तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर आम आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप चौथा आपका ना आ जाएगा, पांचवा दोस्तों आपका आम आ जाएगा और छठा दोस्तों आपका ना आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है एक पदेन आपको उत्तर लिखना है, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों आपको 6 के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो आ देख कर दोस्तों इनके आंसर लगा लीजिएगा। लगाने के बाद तो लिख लेना है, लिखने के बाद तो आपको लिख यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 5 पूछे इसमें आपको क्या करना है सही जोड़ी का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए बालकेन। दोस्तों बालकेन में कौन सी यहाँ पर दोस्तों विभक्ति है आपको बताना है, इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका तृतीय विभक्ति इसमें आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए रामायण में दोस्तों यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए पितृ, दोस्तों पितृ में कौन सी यहाँ पर विभक्ति है, तो इसमें आपका सप्तमी विभक्ति इसमें आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए अहम, जो अहम में यहाँ पर कौन सी व्यक्ति है, तो इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका प्रथम विभक्ति इसमें आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए अत्र आगच्छत, दोस्तों इसमें आपका अत्र आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए यद्य सोमावसर, दोस्तों इसमें आपका अद्य आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 6 पूछा है इसमें आपको क्या करना है आधुनिकतम प्रश्नामी उत्तरानी संसद भाषा लिखा, दोस्तों आपको संसद में इन प्रश्नों के जवाब देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना है, याद करने के बाद दोस्तों आपको लिख भी लेना है, ठीक है, याद प्लस आपको लिख भी यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में आपको क्या करना है, दोस्तों आपको क्वेश्चन 11 में आपको प्रश्न के निर्माण में आपको इन यहाँ पर क्वेश्चनों के जवाब देना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन 12 में दोस्तों आपको यहाँ पर का और कम का आपका प्रयोग करना है, उसके बाद दोस्तों आपको 13 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य करना है, ठीक है। दोस्तों आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो इनके उत्तर भी आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लीजिए, 14 क्वेश्चन आपको क्या करना है, दोस्तों आपको 14 क्वेश्चन में यहाँ पर वाक्य को परिवर्तन करके लिखना है, ठीक है। आपको निर्देश के अनुसार आपको वाक्य को परिवर्तन करके यहाँ पर लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर 5 खाली स्थान दिए, 5 में सिर्फ आपको यहाँ पर 4 खाली स्थान के यहाँ पर जवाब देना है परीक्षा में,
तो इनके आंसर भी आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है 16 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, 16 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कथानुसार आपको क्रम में यहाँ पर जमा कर इनको लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो 17 क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 17 क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखना है, सॉरी दोस्तों आपको यहाँ पर 1 श्लोक लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको 1 श्लोक लिखना है, यदि आप 2 श्लोक भी यहाँ पर लिखते तो अच्छी बात है, आपको कम से कम दोस्तों आपको 3 श्लोक याद करना है, ठीक है। 3 श्लोक आपको यहाँ पर याद करना है, जिसमें से आपके बाई चांस यहाँ पर 2 श्लोक आप भूल गए तो आप 1 श्लोक यहाँ पर परीक्षा में लिख सकेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछा है, 18 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, 18 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको इनके आंसर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों आपको इनके आंसर यही से चार्ट कर लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो 19 क्वेश्चन पूछा है 19 क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, इनके आंसर भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके आंसर दोस्तों आपको यही से चार्ट कर लिखना है, तो इनके उत्तर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो 20वां क्वेश्चन पूछा है 20वां क्वेश्चन में आपको एक नाट्यांश दिया हुआ है, इस नाट्यांश को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस नाट्यांश के नीचे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इनको देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आप समझ लीजिए दोस्तों, आपको इनको देखने के बाद दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लिखना है, वैसे आपको अभी के लिए तो इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो 21 क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन में आपको एक अपटित गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, चारों के आंसर दोस्तों आपको यही से चार्ट कर लिखना है, जैसे कि आपका जो 3rd क्वेश्चन पूछा तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको मन से देना है, ठीक है। जैसे दुर्जना का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, दुर्जना का आपको दोस्तों यहाँ पर सज्जना हो जाएगा, ठीक है, इसका विलोम शब्द है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 22 क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन आपको क्या करें, स्वच्छ प्राचार्य कृते अवकाश प्रार्थना पत्र में संसद भाषा लिखा दोस्तों, आपको संसद में एक प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश का। और यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 23 क्वेश्चन आपको किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है संसद में। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, तो इनके आंसर आपको दिए हुए अच्छे से लिख लीजिए, लिखने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 पूछे, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इनके आंसर आपको दिए है जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर आम और ना लिखना है, सत्य और असत्य लिखना है, तो इनके आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए, इनको अच्छे से लिख लीजिए, लिखने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन 4 में आपको एक पद में आपको उत्तर देना था, ठीक है। तो इनके आंसर आपको दिए हुए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, याद करने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से लिख लेना है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 5 पूछा है इसमें आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करना था, तो यहाँ पर सही जोड़ी का आपको मिलान दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 के आंसर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन 6 में पहले का आंसर मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको इसके अतवला के भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 के आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन 7 में दोस्तों आपको पहले का यहाँ पर आंसर दिया है, इसके साथ ही आपको दोस्तों इसका अतवला का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 पूछा है, क्वेश्चन 8 के आप आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 का पहले का आपको उत्तर दिया है, इसके साथ ही आपको दोस्तों इसके अतुल का भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 9 के पहले का आंसर आपको दिया हुआ है, इसके साथ ही इसका अतुल का भी आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 11 यहाँ पर 10वां का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन 10 का यहाँ पर पहले, उसके साथ ही आपको इसका अतुल का आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 11वीं के आंसर आप देख लीजिए, जिसमें आपको प्रश्न के निर्माण में यहाँ पर करना था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा आपको तीनों के यहाँ पर आंसर दिए, जिसमें से आपको परीक्षा में 2 के यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन यहाँ पर 12वीं का आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन 12 का दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। पहला दूसरा आप देख लेना आपकी किताब से। अब दोस्तों आपके पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का दोस्तों आपको उत्तर दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अच्छे से लिख लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देना था, ठीक है।
तो दोस्तों इनके आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 15 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर खाली स्थानों के आपको आंसर दिए, इनको अच्छे से लिख लीजिए। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। 16 क्वेश्चन आपको क्या करना था, कथानुसार आपको क्रम में यहाँ पर जमा कर आपको लिखना था, ठीक है। तो दोस्तों इनके आंसर देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, पहले दोस्तों आपको पहली वाली लाइन आपको लिखना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चौथी वाली लाइन आपको लिखना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको दूसरी वाली यहाँ पर लाइन लिखना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरी वाली यहाँ पर लाइन लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 17 के आंसर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर एक यहाँ पर श्लोक लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है, एक शुभ स्थानी आपको लिखने के लिए यहाँ पर बोला गया था। तो दोस्तों आपको इनके आंसर यहाँ पर दिए, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर श्लोक लिख लीजिए, या फिर दोस्तों आप इसके आंसर आपकी किताब से भी याद कर सकते हैं, आपको दो श्लोक याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन यहाँ पर 21वें के आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको 21 का यहाँ पर आंसर आपको दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। 21 के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर आपको अतोला का यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आपको दोस्तों यहाँ पर 19 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको दिया है, लिख लीजिए। अब दोस्तों आपका जो 18 क्वेश्चन हो तो 18 क्वेश्चन का भी आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आपको दोस्तों यहाँ पर अतोला का यहाँ पर आंसर आपको दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 23 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 23 क्वेश्चन में आपको दोस्तों एक यहाँ पर निबंध लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो आप दोस्तों निबंध आपको किस तरह से लिखना है, दोस्तों आप निबंध दो तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से डालकर भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप पैराग्राफ के माध्यम से भी आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सुझाव रहेगा कि आप यहाँ पर दोस्तों निबंध आप दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के अनुसार डाल के लिखे, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको लाइने के अनुसार आपको यहाँ पर दोस्तों आपको निबंध लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 22 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बोला गया था अवकाश का, तो यहाँ पर तो आपको एक प्रार्थना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। यदि आप इसका आंसर आपकी किताब से लिखना चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 10वीं का संसद का दोस्तों यहाँ पर पेपर कंप्लीट होगा फुल सॉल्यूशन के साथ, तो दोस्तों इस पेपर को अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।